जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब? मित्रों, आप सब पहले ये वीडियो देखिए। देखिए कैसे मनीष कश्यप ने इस ब्रिज को बनने से पहले ही इस पर प्रश्न उठाए थे। वही करेंगे सर। 9500 के नौकरी पे जो है क्रेन ऑपरेटर को खटाया जा रहा है, ये उड़ने वाले पुल पे देखिए नितिन गडकरी जी, और इसका जांच कराइए। ये देखिए, ये जो कास्टिंग हुआ है वो गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है, पूरा गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है। इसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे जगह जगह पे जो है ना वो मिस्टेक हुआ है, जगह जगह पे यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। और ये बिहार का आधुनिक गांधी सेतु होने जा रहा है, क्योंकि ये जब से बनना शुरू हुआ है तब से कुछ नहीं तो कुछ गलत हो रहा है। पहले हवा में पुल गिरा, उसके बाद से हवा में इंजीनियर के ऊपर क्रेन गिरा, कहीं नहीं तो कहीं जो है इस पुल में भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है। और देश के यशस्वी नेताओं को इस पे जांच बिठाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि कमीशन के चक्कर में ये पुल बर्बाद हो गया, कितनी सच्चाई है। पुल जो है कम से कम 60 फीट ऊपर है, और यहाँ पे बैरिकेडिंग होना चाहिए था, फेंसिंग होना चाहिए था। यहाँ पे कहीं फेंसिंग और बैरिकेडिंग नहीं है, और जो कास्टिंग है वो कास्टिंग जो है उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का होना चाहिए। इस पे जांच बैठना चाहिए, इसमें और भी कहीं गड़बड़ी है। हाँ, एक तो सीमेंट में बता रहा था, एक आज लेबर यहाँ पे हम फोल्डिंग कर रहे थे तो बताया कि 9 नंबर वाला सीमेंट जा तो उसमें फोल्डिंग था, पूरा फटा हुआ था। इसकी वजह से और हो सकता है, उस दिन हम काम भी कर रहे थे तो लोग बताए तो बोले इस प्रकार का घटना और भी घट सकता है। क्यों नहीं घट सकता सर, एसपी सिंगला की पहला थोड़ी है सर, बहुत बार पुल गिर चुका है, बनने से पहले पुल गिर के थमासा हो जाता है सर। एसपी सिंगला का फिर भी एसपी सिंगला पे कोई कार्रवाई नहीं होता, कहाँ होगा? ये ग्राउटिंग बाद में हुआ है कि पहले हुआ है? ये तो सर पता ही तो चल रहा है, अगर पहले होता तो ऐसा होता, बाद में क्या होता, ऐसा होगा। स्पेस जो है कहीं नहीं तो कहीं ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत है। और ध्यान से देखिए आगे जो है ये यहाँ पे किस प्रकार से रफ कर दिया गया है पूरे पुल को, पूरा इस साइड से उस साइड तक। और यही प्रॉब्लम सबसे पहले गांधी सेतु में आया था कि जहाँ जहाँ ज्वाइंट था, जहाँ जहाँ स्पेसिंग था, वहाँ वहाँ पे 6-6 इंच का गैप हो गया, और जिसके बाद से गांधी सेतु पूरा जो है ध्वस्त हो गया। बिहार के पुल के बीच में पानी इसलिए लग जाता है कि ध्यान से देखिए यहाँ पे एक सीमेंट का बोरा ऐसे ही छोड़ दिया गया है, और ये सीमेंट जो है पूरा पकड़ लिया है और इरेगुलर शेप हो गया है। जब ये पुल बन के तैयार होगा तो इरेगुलर शेप होगा, यानी अप एंड डाउन होगा, और यहाँ पे पानी लग जाएगा और धीरे धीरे ये पुल जो है वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। तो एसपी सिंगला का काम है, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। दुनिया का सबसे अद्भुत, आश्चर्यजनक और हवा में उड़ने वाला पुल जो है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बना रहा था, और उसी पुल के ऊपर से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद। देखिए कैसे आनंद रंगनाथन जी ने लिबरल्स को धोया। हिंदू फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस एंड स्पोर्टिंग इवेंट्स आर इजी टारगेट, बी इट कंबाला और जलीकट्टू एज वाज प्रीवियसली द केस, और नागपंचमी, और इवन काइट फ्लाइंग ड्यूरिंग मकर संक्रांति, और बिलीव इट और नॉट रिस्ट्रिक्टिंग द हाइट ऑफ द दही हांडी ड्यूरिंग द जन्माष्टमी फेस्टिवल। द जजेस हैव कैप्ड द ह्यूमन पिरामिड हाइट टू 20 फीट, सेइंग एनीथिंग अबव वुड इन्फ्लिक्ट हार्म टू द पार्टिसिपेटिंग ह्यूमंस, कोट। We only know of Krishna stealing butter. Did he also indulge in acrobatics while stealing it? Mock the judges. I want to ask these judges, what happens to all their mockery and colorful retorts when it comes to Muharram, where tens of thousands of Muslims openly inflict serious bodily harm to themselves and to others with whips laced with steel claws that stab deep into the devotee's flesh and his chants of Ya Abbas, Ya Abbas? Is that not inflicting harm? But do our milords have the guts to ban this ritual during Muharram? It is the same with banning crackers during Diwali, but allowing millions of tons of stubble to be burned during the same month, or millions of trees to be cut during Christmas, or allowing fireworks during New Year celebrations, because apparently only Diwali is increasing the carbon footprint and contributing to pollution. The rest are purifying the environment.
यूके की 18 साल पुरानी ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने वाली हेनरी जैक्सन सोसाइटी ने अपनी एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी करी है। रिपोर्ट में ये बताया कि हिंदू स्टूडेंट जो यूके में पढ़ते हैं उनको हिंदू हेट का सामना करना पड़ रहा है। सोसाइटी ने 988 हिंदू पेरेंट्स और 1000 स्कूल का सर्वे किया और सर्वे के बाद ये पता चला कि वहां पर हिंदू स्टूडेंट्स को इस्लामिक स्टूडेंट्स फोर्स कर रहे हैं इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए। उनको जबरदस्ती बीफ खिला रहे हैं, उनको ये बोल रहे हैं कि तुम पत्थरों की पूजा करते हो। स्टडी ने बताया कि वहाँ पे एक हिंदू लड़की के मुंह पर बीफ फेंका गया। एक हिंदू लड़के ने 3 बार अपना स्कूल चेंज किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको हिंदू हेट का सामना करना पड़ा। एक स्टूडेंट को वहाँ पे पहले हैरास किया गया और उसको बोला कि अगर तेरे को हैरेसमेंट से बचना है तो तेरे को इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ेगा। एक स्टूडेंट को वहाँ पे ये बोला कि तू ज्यादा नहीं जी पाएगा, अगर तेरे को जन्नत में जाना है तो तू इस्लाम में कन्वर्ट हो जा। एक पेरेंट ने बोला कि मेरे बेटे को वहाँ पे इस्लामिक प्रीचर की वीडियो जबरदस्ती दिखाई जा रही है और उसको बोला जा रहा है कि तू इस्लाम में आ जा, हिंदुइज्म को छोड़ दे। वहां तक मैं जानता हूँ यूके में बीजेपी का तो कोई ऑफिस नहीं है और ना ही वहाँ पे आरएसएस की कोई शाखा लगती है, ना वहाँ पर बजरंग दल है, ना वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद है और ना ही वहाँ पर हमारे जैसे कॉन्जर्वेटिव लोग है, क्योंकि आप हम लोगों को कॉन्जर्वेटिव बोलते हो ना, क्योंकि हम अपने रीजन के अगेंस्ट में कुछ सहन नहीं करते। तो अगर ये सब कुछ ना होने के बावजूद भी यूके के अंदर ये सब हिंदुओं को फेस करना पड़ रहा है तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये प्रॉब्लम सच में एग्जिस्ट करती है। जितना फोकस आप इस बात पे देते हो कि अच्छे और बुरे लोग हर रिलीजन में होते हैं, उसका बस आधा फोकस आप इस बात पे दे दो कि मुस्लिम मेजोरिटी में जैसे ही आता है वहां पर हिंदू को मरना पड़ता है या फोर्सफुली कन्वर्ट होना पड़ता है या ऐसे हिंदू हेट का सामना करना पड़ता है। जो जीता वही सिकंदर, ये बात आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी, लेकिन जो सिकंदर को भी हराए उनका नाम क्या था? नहीं पता। जो जीता वही सिकंदर, लेकिन जो सिकंदर को भी हराए उनका नाम था महाराजा पोरस। ये तो वामपंथी इतिहासकारों की देन है कि अकबर बाबर की औलादों को महान बता दिया, वरना इनकी औकात तो हमारे गली के कुत्तों के बराबरी की भी नहीं थी। गजब बेइज्जती है। ये हमारे पप्पू की पार्टी के नेता हैं, जिसे आप देख सकते हैं महिलाओं के साथ इसकी हरकतें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।